एस का, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है। वज्र गुणन विधि से हल करना है इसको भी। तो पहले उसी तरह से ए वन ए टू, ये ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू लिख लीजिए। हल ए वन बराबर थ्री, बी वन बराबर -5, सी वन बराबर 20, ठीक है। ए टू बराबर 6, बी टू बराबर -10, सी टू बराबर 40, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे ए वन बटे ए टू बराबर 3/6 कट जाएगा ना, 3 × 3, 3 × 2 = 6। बी वन बटे बी टू बराबर -5/10, माइनस के माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10। सी वन बटे सी टू बराबर कितना है, 20/40, 20 × 20, 20 × 2 = 40। तो देखो 1/2, 1/2, 1/2 सब में बराबर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, अतः निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। तीनों कंडीशन बराबर है तो निकाय के अनंत अनेक हल हैं लिख देना है, बस। बहुत है, हो गया आंसर कंप्लीट, ठीक है ना।